नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इसमें बलिया जिला के बेलथौर में मौजूद हूँ। बेलथौर रेलवे स्टेशन यहाँ पे है और अमूमन जो है देखा जाता है कि शाम के वक्त जो है यहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता रहे हों या और दल के नेता और बुद्धिजीवी लोग और जो अच्छे विचार रखने वाले लोग भी यहाँ जो बैठते हैं और तमाम जो चर्चाएं होती हैं राजनीति से लेकर के देश के तमाम मुद्दों पर जो चर्चा होती है। तो आज जो है देखा गया है कि बलिया जिले के लिए एक मुद्दा रहा है, जिस तरह से जो है भाजपा के जिला अध्यक्ष का जो है आगमन आज बलिया में हुआ है। लखनऊ से जब उनकी यात्रा चली है तो 200 तकरीबन गाड़ियों का जो काफिला उनके साथ चला है। दो मंत्री और कई विधायक जो है उनके साथ रहे हैं, पूर्व मंत्री भी साथ में रहे हैं। जिस तरह से उनका जो है स्वागत जगह जगह पे हुआ, बेलथा रोड में भी आज चौकिया मोड़ पर उनका स्वागत किया गया है। तो ऐसा देखने में सुनने में मिला है कि किसी मुख्यमंत्री का जिस तरह से स्वागत किया, तो उस तरह से स्वागत जो है बीजेपी के जो है कार्यकर्ताओं नेताओं ने किया है। और कहीं ना कहीं जो इस तरह से जो है उन्होंने अपने बयानबाजी में जो है समाजवादी पार्टी को जो घेरने की कोशिश की है। तो आइए यहाँ पे जो बात करेंगे हम जो समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है, पुराने नेता है मत्तू बख्तर से, और जानेंगे कि आखिर जो है अगर संजय यादव को जिला अध्यक्ष बीजेपी ने बनाया है तो उनके भी जिला अध्यक्ष जो है यादव समाज से आते हैं और बीजेपी के भी जिला अध्यक्ष यादव समाज से हैं, तो उनके वोट बैंक पे कितना प्रभाव पड़ेगा, या समाजवादी पार्टी जो जिले में जो है पिछले 2019 में चुनाव रहा हो या कोई भी लोकल चुनाव रहा है उसमें मजबूत दिखाई देती है और यह बागी बलिया है। यह माना जाता है कि यहाँ से जो चुनाव की दशा वो दिशा तय होती है। तो जो है जिस तरह से आज संजय यादव का जो आगमन हुआ है जिले में और एक मुख्यमंत्री की तरह से उनका स्वागत किया गया है और समाजवादी पार्टी पर तीखे हमले भी उन्होंने किए, इसको लेकर के क्या कहेंगे और कितना प्रभाव जो समाजवादी पार्टी पड़ने वाला है? ऐसा है कि बलिया जनपद में इसके पहले भी जिला अध्यक्ष यादव रह चुके हैं, लेकिन बलिया जिला के समाजवादी पार्टी पर यादव जिला अध्यक्ष होने का कोई असर हमारे वोट पर नहीं पड़ने वाला है। बलिया जनपद में समाजवादी पार्टी और जिलों के बनिस्बत बहुत ही मजबूत है और भाजपा से कहीं बहुत आगे है, इसलिए कि बलिया जिला में हमारे गठबंधन की 4 सीटें निकली थी और 4 के बाद से जिला पंचायत अध्यक्ष भी बलिया जिले का हमारे ही पार्टी के अंबिका चौधरी के लड़के हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे अधिक बलिया जनपद में प्रमुख जो है या जिला पंचायत सदस्य हैं या प्रधान हैं, बलिया जिला में सबसे अधिक समाजवादी पार्टी के हैं और संजय यादव के अध्यक्ष बनने से यहाँ पर समाजवादी पार्टी में कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इसलिए कि संजय यादव घोर सांप्रदायिक व्यक्ति भी हैं। सिकंदरपुर के जब वो विधायक रहे तो वहाँ पर सांप्रदायिक दंगा कराए और लोगों में आपसी मतभेद कराए, जिसके वजह से फिर दोबारा जो है वहाँ पर वो चुनाव हार गए। अजियाउद्दीन मोहम्मद रिजवी फिर चुनाव जीत गए, इसलिए उनके आने जाने से या उनके अध्यक्ष बनने से हमारे बलिया जनपद में या बेलथरा रोड में कोई असर समाजवादी पार्टी पर नहीं पड़ने वाला। तो जिस तरह से 2024 का चुनाव जो है सामने है सर, और इस तरह के जो कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो है हिंदू मुस्लिम बना करके सांप्रदायिक दंगे करा करके और अपना वोट बैंक साधने की कोशिश करेगी, तो आप मान रहे हैं कि इसकी एक कड़ी के तहत जो है यहाँ पे जिला अध्यक्ष जो है संजय यादव को बनाया गया है? असल में घोसी का चुनाव हुआ है, घोसी के चुनाव में सुधाकर सिंह हम लोगों के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे और वहां पर ये चौहान जी जो थे वो बीजेपी के चौहान न थे, वो दारा सिंह चौहान बीजेपी के उम्मीदवार थे और दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से जीत करके गए थे, लेकिन अब सरकार नहीं बनी तो हमेशा मंत्री पद के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया, चुनाव लड़ा, लेकिन सारी घोसी की जनता ने सुधाकर सिंह को करा करके जिता करके 42,000 मतों से उनको जिताने का काम किया। 42,000 मतों से ये हारे, तब से ये समाज अरे ये भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, बौखलाई हुई है और यहाँ जो पूरे देश के अंदर 7 जो उपचुनाव हुए थे मेले के, जिसमें से इंडिया गठबंधन जो है 4 सीटें जीत करके गई और उनको 3 सीटें मिली, इसलिए और पागल ये हो गए सब और पागल बन करके वो चाहते हैं कि हम किसी मुसलमान को या यादव को या बैकवर्ड के अन्य किसी लोगों को या दलित बिरादरी को हम अपना ऐसा मोल्ड करें, तो उस मोल्ड करने में वो हिंदू और मुसलमान मंदिर और मस्जिद गौ और गोबर और गाय इसी का मामला लेकर के उस सबको भरमा रहे हैं। उस पर अब सब लोगों का जो है नजरिया उससे उठ गया, सब लोग जो है
मिल करके इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को हर जगह से हर पॉइंट पर हर चुनाव में 2024 के चुनाव में हराएंगे। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब उनका कोई जन आधार रह नहीं गया। इस तरह से जो है आपने बताया है कि संजय यादव जो पहली बार जो है सिकंदरपुर के विधायक बने, तो कुछ ऐसा जो है कार्य हुआ जिससे सिकंदरपुर में जो है गंगा जमुनी तहजीब पर जो असर पड़ा, तो क्या जिलाध्यक्ष बनने के बाद भी कुछ इस तरह के जो है आपको नजर आ रहे हैं, कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? उसके अलावा कोई दूसरा इन लोगों के पास विकल्प ही नहीं रह गया है। सेवाए सांप्रदायिक माहौल बना करके, सांप्रदायिक दंगा करा करके, लोगों में भेदभाव पैदा करके अपने चुनाव को जीतने का ये प्रयास लोग करेंगे। इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा विकास कुछ हुआ ही नहीं है। एक बिजली बनाने का एक कारखाना पूरे प्रदेश में नहीं खुला, एक स्वास्थ्य केंद्र जो है पूरे प्रदेश में नहीं कहीं खुला, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, किसी तरीके की कोई सुविधा आम जनता के लिए देने के लिए इनके पास कोई साधन हुआ ही नहीं। एक पूर्वांचल रोड बनाया, अभी आज भी उस पर गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है और अभी आज तक उस पर मरम्मत हो रही है, इसलिए इनका कोई काम संतोषजनक नहीं है। जनता सब जान गई है और जनता 2024 में के जो है पुराने नेता हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और इस समय भी आप जो है आठवीं बार शायद जो है जिला अध्यक्ष जो है बनाए गए हैं, तो अपने समाज के लोगों के लिए आपका जो सीधा सीधा संदेश क्या होगा ऐसे हालात में? हमारे समाज के लोगों को सीधा सीधा ये संदेश होगा कि हमारी भलाई, हमारे समाज के लोगों की भलाई यही है कि किस तरीके से ये जो मौजूदा हुकूमत है, डबल इंजन की सरकार है, ये भेदभाव बरतती है और तमाम मकान जो गिराए जा रहे हैं, क्या इस प्रदेश में मुसलमान ही सिर्फ जो है अपराधी हैं? मुसलमान अगर किसी तरीके का कोई वो अपराध में आ जाता है तो उसके मकान गिरा दिए जाते हैं। कहाँ ही लिखा हुआ है कि कोई अपराध में है तो उसका मुकदमा चलाइए, आखिर उसका मकान गिरा दिए? कितने लोग परमिशन लेकर के पूरे हिंदुस्तान में मकान बनाए हुए हैं, सारे मकान बने हुए हैं, अगर कागज मांगा जाए इस बेलथरा रोड में तो कितने इस बेलथरा रोड विधानसभा में बलिया जिले में सारे लोगों ने परमिशन ले लेकर अपना मकान बनाया, लेकिन नहीं, अगर कोई मुसलमान अभी गलती किया तो उस पर बुलडोजर चल जाएगा। तो ये जान गए हैं, इसलिए इनकी वो अपनी तरक्की के लिए, अपनी बहबूदी के लिए ये सरकार जब चली जाएगी तो कोई भी सरकार आएगी तो मुसलमानों का भी ध्यान रखेगी। तो परिस्थितियां जो है बदल गई हैं। पहले जब चुनाव विधानसभा का हुआ था तो उस समय आपके साथ सुभाषपा भी थी और दोनों दल जो है मिलकर के चुनाव लड़े, जिला पंचायत अध्यक्ष की बात कर रहे हैं आप, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी सुभाषपा का सपोर्ट रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में चूंकि परिस्थितियां बदल गई है, आप जो किस तरह से जो है अब नया जो है समीकरण बनाएंगे जिले में? सुभाषपा का कभी यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं था। सुभाषपा का तो जो उम्मीदवार यहाँ पर जीता वो समाजवादी पार्टी के वोट से जीता और जीत करके वो लखनऊ की सभा में गया, वो आदमी बजाते खुद ठीक ठाक है, उस पर कोई कमेंट नहीं है, लेकिन सुभाषपा का हमारे बलिया जिले के अंदर कोई असर नहीं है और न उसके वजह से हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ। धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे जो है समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जो है मौजूद थे, तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो है साफ तौर से इशारा है कि संजय यादव जो है पिछले जब विधायक बने थे तो उन्होंने जो है किस तरह का जो है कार्य जो है सिकंदरपुर में किया था, तो उसी तरह की कुछ शंकाएं जो है इनके द्वारा जताई जा रही है और मुसलमानों को भी नौजवानों को इसको लेकर सतर्क किया गया है। उनकी तरफ से भारत मीडिया के लिए ओपी सिंह के साथ तब्बीर अहमद की रिपोर्ट, बने रहे भारत मीडिया के साथ।